खुश रहो बेटा। बेटा मेरी बहू कहाँ है? माँ यही है तुम्हारी बहू। ये बहू है? हाँ सासू माँ। हमारे यहाँ सास के पैर छूने का रिवाज है। सासू माँ ये पैर वैर छूना तो पुराने जमाने की बात है, आजकल के जमाने में तो हक करते हैं। इसने अपने पांव से कलश को भी नहीं गिराया, बहुत अपशगुन होता है। माँ वो आजकल की लड़की है, ये रीति रिवाज में यकीन नहीं करती है। और आप भी ना। आओ अंदर आओ। बेबी जल्दी जाओ मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ, बहुत प्यास लग रही है। हाँ अभी लाता हूँ। ये लो तुम्हारा ठंडा ठंडा पानी। थैंक यू बेबी। बेटा वो साड़ी भिजवाई थी वो क्यों नहीं पहना कर ले आया? सासुमा वो रेड वाली साड़ी, वो साड़ी ना इतनी ज्यादा चमकीली थी, इतनी ज्यादा चमकीली थी ना, आई डोंट लाइक इट। और वैसे भी मेरे इतने हॉट लेग्स हैं, पूरे 15,000 की वैक्सिंग कराई है मैंने, तो छोटे कपड़े पहनना तो बनता है ना। और वो साड़ी तो मैंने अपनी नौकरानी को दे दी, वो नौकरानी इतनी ज्यादा खुश हुई ना, क्या बताऊं मैं आपको। पीयूष मेरे साथ आ चल। अच्छा बेबी मैं बहुत थक गई हूँ, रूम में जाती हूँ। क्या हुआ माँ? ये दिखाई नहीं दे रहा है? अरे तो बहू लेकर आया है आइटम गर्ल, छोटे छोटे कपड़े पहनती है, बात करने का कोई सलीका नहीं, और तो और अपने सास की कोई इज्जत ही नहीं की उसने। माँ शहर में पली बड़ी है और विदेश में भी रही है, उसका नेचर ही ऐसा है माँ। ऐसा है? अगर कांता बहन ने देख लिया तो समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। देख बेटा मेरी बात मान, उसे कह साड़ी पहने और तमीज से रहे। अरे माँ सब हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो दो उसे, और अपने रंग में रंगने में टाइम लगता है माँ। अरे ऐसे बहुएं रंग में नहीं रंगती, कालिख पोतती है। देख बेटा मेरी बात मान, उसे समझा। बेबी बेबी कहाँ हो तुम? गाड़ी में बैठे बैठे कमर दर्द हो गया है। बेबी बेबी कहाँ मर गए हो? हाँ आ रहा हूं। अब बेटा पीयूष सुन तो। कहाँ थे तुम? ये नीचे माँ के पास। बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी बहुत दर्द हो रहा है। और नीचे बेबी बेबी तुम बहुत अच्छी मालिश करते हो। बेबी मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है।
प्लीज दबा दो। कैसी बेशरम बहू है, बिना दरवाजा बंद किए ही शुरू हो गई। बेबी, मेरा बेटा तो गया काम से, इसके मामा को ही बुलाना पड़ेगा। नाटू भाई, बेटा पता नहीं कैसी बहू ब्याह लाया है, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक। कहाँ है तेरी बहू? मेरी बहन को परेशान किया ना, अभी ठिकाने लगाता हूं। बता कहाँ है? अरे एक ही दिन में नरक के दर्शन करवा दिए उसने, वो है उसका कमरा। रुक जा तू, अभी देख मैं क्या करता हूं, अभी तेरे बहू और बेटे को लाइन पर लाता हूं। बुलाओ बाहर। सासू मां, इतनी सुबह सुबह? क्यूट सा बंदा कौन है? ये मामा है, यूज के मामा। मामा जी! कितने क्यूट से मामा जी हैं, एकदम गुलू गुलू। जो बोलने आए हो बोलते क्यों नहीं? अभी अभी तो आया हूं, थोड़ी देर और ठहरो, बात करता हूं मैं इससे। सासू माँ, नाश्ते में क्या बनाया है? मुझे ना बहुत भूख लगी है। हमारे यहाँ शादी के बाद पहले दिन बहुएं बनाती हैं सब। ठीक है सासू माँ, मैं आपके लिए इतना टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी ना, आप भी क्या याद रखें। ये लीजिए गर्मा गर्म और टेस्टी रोटियां। मामा जी, ये आपके लिए। वाह, दिखने में तो बड़ी मस्त लग रही है। और मेरे प्यारे पति देव, ये आपके लिए। क्या बात है। और ये रही मेरी प्यारी सी सासू माँ के लिए रोटियां। खाना तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सासू माँ खाइए ना। पानी। क्या हुआ सासू माँ, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? ये खाना है, इससे टेस्टी तो कोयला होता है। ये दीदी, बड़ा टेस्टी खाना है, खाओ ना। क्यों पीयूष भांजे? हाँ बहुत टेस्टी है माँ, खाओ। ये टेस्टी है तो तुम दोनों ही खाओ, और तू भी ठूस ले। सासू माँ, टेबल पे तीन लोग हैं, दो लोगों को तो मेरा खाना बहुत पसंद आया, आपको ही ज्यादा दिक्कत है। अगर आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन ये सास बहू वाले टेंट्रम्स मुझे मत दिखाइए। हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ इस घर में, तुम लोग खाओ इसका टेस्टी खाना, और तू भी ठोस। माँ माँ, माँ माँ,
आप भी ना एक छोटी सी बात पर नाराज होकर आ गए। छोटी सी बात? तूने खाया ना? सच सच बता, कैसा लगा तुझे? छोड़ो ना माँ ये सब, अब आप जैसा खाना तो कोई बना भी नहीं सकता, और उसने पहली बार खाना बनाया माँ, सीख जाएगी वो भी। हाँ तो मुझे ही बोलेगा ना, बीवी को बोलने की तो हिम्मत है नहीं। माँ आप भी ना एक छोटी सी बात को कहां से कहां ले जा रही हो। माँ मूड को ठीक करो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, प्लीज। चलो मैं चलता हूँ। जा रहे बेटा? थोड़ा काम ऑफिस में, यूं गया यूं आया। टेक केयर, बाय। क्या हुआ बहू, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? मामा जी मुझे योगा करने की आदत है, लेकिन यहाँ तो ना म्यूजिक सिस्टम है ना ही योगा मैट, अब मैं क्या करूँ? बस इतनी सी बात कि मामा किस मर्ज की दवा है, यो कर देता हूँ इंतजाम। सच? हाँ देखो तुम। म्यूजिक क्यों बंद किया? अभी तो मूड बना था। भैया, अरे क्या मूड बन रहा था? इस घर में ये सब नहीं होता है। भैया आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे दीदी इधर आओ, आओ। अरे दीदी अपनी बहू को देखा कितनी वेल मेंटेन है, वरना वो वर्मा जी की बहू देखो कैसे अदरक की तरह इधर उधर से फूल रही है। अरे बहू से ही सास की पहचान होती है, समझी? खूब समझ रही हूं और दिख भी रहा है। आने दो मेरे बेटे को, आज तो फैसला होके रहेगा। बेबी क्या किया तुमने आज? माँ ने मुझे फोन किया रोते रोते,
मैंने मैंने क्या किया? तो फिर मुझे फोन क्यों किया माने? अच्छा, इसका मतलब है कि वो सच्ची और मैं झूठी, हाँ? अरे जरा धीरे बोलो यार। पीयूष, तुम ना बहुत बदल गए हो, अपने माँ के लाडले बन गए हो तुम। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। और लिसन, अब मैं नहीं सोने वाली तुम्हारे साथ, और जब मुझ पर भरोसा हो जाए ना, तब आ जाना गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास। बेबी बात सुनो, बैठ के बात करते ना। जब सुनो ना। अरे यार बात तो समझो ना। अरे बहू, तुम यहाँ? तुम अभी तक सोई नहीं? मैं सोने के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट मुझे नींद नहीं आ रही है। मामा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बहू, पूछो। मामा जी, क्या मैं आज आपके बेडरूम में सो जाऊँ? हाँ? प्लीज मामा जी, मना मत कीजिएगा, प्लीज। बहू जी, एक बात पूछूं? तुम इतनी सुंदर हो, फिर तुम्हें पीयूष जैसे घनचक्कर से कैसे प्यार हो गया? वो क्या है ना मामा जी, मेरा जो पांचवा बॉयफ्रेंड था ना, वो बहुत ज्यादा बदमाश था, रूम से निकलने ही नहीं देता था। फिर मुझे पीयूष मिला, और पीयूष बहुत किस्मत वाला है कि मेरी उससे शादी हो गई। हाँ, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है? मेरी तो अभी तक शादी तक नहीं हुई। क्या? अगर मेरी शादी पीयूष से ना हुई होती ना, तो मैं आपको डेट कर रही होती। सच्ची? आप हो इतने हॉट एंड सेक्सी। मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूँ, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है ना मामा जी, लड़कियों को तजुर्बेदार मर्द बहुत पसंद है। मुझे आ रही नींद मामा जी, मैं चली सोने। गुड नाइट। Thank you.
नाटू भाई अभी तक नहीं उठे, इतनी देर तक सो रहे हैं। रात में ज्यादा लेट हो गया था तो सासू मामा यहीं सो गई थी। अरे बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू समझ रही। आप तो चुप ही रहिए भैया, आप तो इसके ही रंग में रंग जा रहे हो। अभी पीयूष को बुलाती हूँ। पीयूष, पीयूष, पीयूष! क्या मामा, क्यों चिल्ला रही हो? तेरी बीवी ने आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मामा के बिस्तर पर सो रही थी। छी, काम कर, तू इसे जहां से लाया है ना वही छोड़ा। सासू माँ, आज डिसाइड कर ही लेते हैं कि आपको कौन से वृद्धाश्रम छोड़ के आना है, क्योंकि घर से पुराना फर्नीचर बाहर जाता है, नया नहीं। भैया देखो कैसे बोल रही है ये। है ना, इधर आओ। तू जो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बहन, तू मिश्रा जी की बहू को भूल गई? अरे उसने तो बिना कुछ कहे ही अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया था। ये तो फिर भी वार्निंग दे रही है, और पति के बाद तो पत्नी का ही सब कुछ होता है। कहीं ऐसा ना हो अगली बार तुझसे मिलने आओ तो मुझे वृद्धाश्रम आना पड़े। मेरी बहू ने सबको अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया है। जब तक ये जिंदा है तब तक मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। आज रात ही इसकी बेशर्मी हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। क्या हुआ? मेरा मूड बहुत खराब है मामा, मैं कितने टाइम से क्लब नहीं गई हूँ। बस इतनी सी बात? देख तेरा ये शौकीन मामा तेरे लिए इस घर को ही क्लब बनाता है। सच में? वाह मामा जी, वाह, मजा आ गया। लीजिए ना, अरे लीजिए ना मामा, लीजिए लीजिए ना मामा जी। हाँ मामा जी, फर्स्ट टाइम है क्या आपका?
ओ मामा मामा जा रही है। तुझे पता है संस्कारी इसलिए होते हैं, इसलिए परिवार होते हैं ताकि कोई अपनी सीमा ना लांघ सके। और तूने तो हमेशा सिर्फ अपनी परवाह की है अपनी। मैंने हमेशा तुझे टोका लेकिन तूने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। जा जा अपने पापों की सजा भुगत जेल में। शायद जेल की चार दीवारी तुझे बेशरम बहू से संस्कारी बहू बना दे। छी शर्मी ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ।